नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण, प्लास्टिक सर्जन अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर से, और आज हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होती है? ये नर्व्स हैं, नसें हैं जो गर्दन से निकल के बाजू में जाती हैं और बाजू के सारे मसल्स को सप्लाई करती हैं। कंधे का ऊपर उठना, कोहनी का मुड़ना, हाथ का चलना, इन सारी चीजों के लिए नर्व्स जो चाहिए वो ब्रेकियल प्लेक्सस से ही आती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज कब होती है, मतलब ये जो गर्दन से निकल के रीढ़ की हड्डी से नसें जो बाजू में जा रही है ये खिंच जाती हैं या कट जाती हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है। जैसे कि सबसे कॉमनली हम ये देखते हैं कि पेशेंट बाइक में जा रहा था और अचानक गिर गया और खंबे से टकरा गया, तो ऐसे में गर्दन से जो नसें आ रही हैं वो खिंच जाती हैं और बाजू काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो हाथ की कोई मूवमेंट नहीं होती, कंधे की कोई मूवमेंट नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में हम कई बार देखते हैं कि लोग एक साल दो साल सिर्फ वेट ही किए जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, वर्जिश चल रही है, मालिश करा रहे हैं, और दो तीन साल बाद जब कोई इम्प्रूवमेंट ना हो तब आते हैं। ये बहुत ही गलत है। जब कोई ऐसी इंजरी होती है तो 3 महीने का टाइम ही मैक्सिमम होता है जिसमें कोई रिकवरी हो सकती है। अगर 3 महीने के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं होती है तो उनको सर्जरी की जरूरत है। तो 3 मंथ्स में जो नहीं रिकवर होती है बाजू, उसमें ऑपरेट करके नर्व्स ट्रांसफर करके या पैर से नर्व लेके बाजू में लगा के हाथ को, कोहनी को, कंधे को चलाया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ वेट ही ना करते रहे। थोड़े इंजरीज रिकवर हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी इंजरीज रिकवर हो जाएंगी। जो 3 महीने में ना रिकवर हो उनको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ बड़ों में पर बच्चों में भी ये इंजरी हो सकती है। जब पैदा होते हैं, डिलीवरी के बाद हम देखते हैं कि बच्चा एक बाजू नहीं हिला रहा बिल्कुल भी, तो ऐसे सिचुएशन में भी किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों में रेगुलर फॉलोअप करते रहना पड़ता है। 3 मंथ्स में अगर कोहनी मुड़ना नहीं शुरू हुआ फिर इनमें भी ऑपरेशन की जरूरत है। ये नहीं सोचना कि बच्चा बहुत छोटा है इसमें कैसे ऑपरेशन होगा। 3 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, इन सब में ऑपरेशन सेफली किया जा सकता है। तो जितनी जल्दी हम ऑपरेट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो साल दो साल वेट करके टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर जो सर्जरीज हम 3 मंथ्स में कर सकते हैं जिससे हाथ चल सकता है वो बाद में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है टाइम को ध्यान में रखना कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, बाजू बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, तो इमीडिएटली प्लास्टिक सर्जन को, सी नर्व सर्जन को दिखाना जरूरी है ताकि वो सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे कर सके। थैंक यू।